दोस्तों, क्रिसमस एक ऐसा त्यौहार है जो पूरी दुनिया में बहुत फेमस है। क्रिसमस को ईसाई धर्म के अलावा दूसरे धर्म के लोग भी बड़ी उत्साह के साथ सेलिब्रेट करते हैं। क्रिसमस हर साल 25 दिसंबर को मनाया जाता है, जो खास तौर पर जीसस क्राइस्ट और सेंटा क्लॉस की याद में मनाया जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको सेंटा क्लॉस की रियलिटी के बारे में पता है? या आप जानते हो कि सेंटा क्लॉस लाल रंग के ही कपड़े क्यों पहनता है? अगर नहीं जानते तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं हूं आपका दोस्त हेमंत एंड वेलकम टू आवर चैनल वाव काउंटडाउन, जहां मैं आपको देश और दुनिया की कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बताता हूं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। काउंटडाउन नंबर 7। दोस्तों, वैसे तो क्रिसमस पूरी दुनिया में सेलिब्रेट किया जाता है और सबके कुछ अपने अलग अलग तरीके होते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं जापान में लोग क्रिसमस पर KFC का खाना पसंद करते हैं। इसलिए क्रिसमस के ऑर्डर 2 महीने पहले से ही बुक करने पड़ते हैं। बारी है काउंटडाउन नंबर 6 की। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, क्या आपको पता है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1940 में क्रिसमस के दिन जर्मनी और इंग्लैंड के बीच युद्ध अचानक से रुक गया। दोनों सेनाओं के सैनिकों ने अपने अपने टेंटों को लाइट से सजाया और नो मैंस लैंड पर उपहारों का आदान प्रदान किया और आपस में फुटबॉल खेला। नंबर 5। दोस्तों, क्या आपको पता है क्रिसमस पर अमेरिका में सेंटा क्लॉस को लिखे गए लेटर सेंटा क्लॉस इंडियाना जाते हैं, और कनाडा में सेंटा क्लॉस के लिए लिखे गए लेटर नॉर्थ पोल में एक वॉलंटियर ग्रुप से जुड़े लोगों को भेजे जाते हैं। ये लोग इन सभी लेटरों को पढ़कर उनका जवाब देते हैं। बारी है फैक्ट नंबर 4 की। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पिछली सदी तक क्रिसमस ईव पर भूतों के डरावने किस्से और कहानियां सुनाई जाती थी, लेकिन यह परंपरा अब लुप्त हो चुकी है। चलते हैं फैक्ट नंबर 3 की तरफ। दोस्तों, 2010 क्रिसमस के दौरान कोलंबिया की सरकार ने जंगलों के पेड़ों पर लाइट लगा दी। जब फार्क के गोरिल्ला आतंकी वहां से गुजरे तो लाइट जल गई और पेड़ों पर लगे बैनर प्रकट हुए, जिन पर हथियार छोड़ देने की अपील लिखी थी। इससे 331 आतंकियों ने हथियार छोड़ दिए और आम जीवन में प्रवेश किया। इस कैंपेन को बेस्ट स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग एक्सीलेंस का अवार्ड मिला है। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा, क्रिसमस पर सेंटा क्लॉस उपहार बांटता है, लेकिन क्या आप जानते हो यह उपहार बांटने का सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ और सेंटा क्लॉस का कैरेक्टर अस्तित्व में कैसे आया? दोस्तों, कहा जाता है कि संत निकोलस, जो कि एक बिशप थे, वो गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करते थे। वह बच्चों से प्यार करते थे और गुपचुप तरीके से बच्चों को गिफ्ट दिया करते थे। हालांकि संत निकोलस और जीसस के जन्म का सीधा संबंध नहीं है, लेकिन उनके बिना क्रिसमस अधूरा सा लगता है। चलते हैं फैक्ट नंबर 1 की तरफ। फैक्ट नंबर 1। ईसाइयों के सबसे बड़े त्यौहार क्रिसमस पर प्रभु यीशु का जन्मदिवस देश भर में धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि सेंटा इस दिन लाल कपड़े ही क्यों पहनता है? दरअसल ईसाई संत निकोलस किसी गरीब को पैसे की कमी के कारण क्रिसमस पर दुखी नहीं देख सकते थे, इसलिए वह लाल कपड़े पहनकर चेहरे को दाढ़ी से ढककर गरीबों को खाने की चीज़ें और गिफ्ट बांटते थे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलना। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।